बिलासपुर में रविवार सुबह श्रीकांत वर्मा मार्ग निवासी प्रियंका सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रियंका सिंह ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट कर आत्महत्या करने की बात कहते हुए अपनी जान दे दी। वीडियो देखकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला ने वीडियो में कई लोगों पर प्रताड़ना का सीधा आरोप लगाया है। और हाई कोर्ट वकील दीप्ति शुक्ला और उसका पति अनिल शुक्ला, विवेक अग्रवाल उर्फ विक्की अग्रवाल, श्रीराम ज्वेलर्स का मालिक जो पप्पू यादव के कहने पे मुझे परेशान करते हैं, पप्पू यादव के कहने पे उसके घर आके नागू राव के छत में आकर पप्पू यादव, साई दरबार का पंडित उसका बेटा और समर्पण क्लिनिक डॉक्टर अजीत मिश्रा अपने कपड़े उतार के अपना प्राइवेट पार्ट निकाल के मुझे बुलाते हैं। और 26 फरवरी की रात पप्पू यादव, वकील दीप्ति शुक्ला हाईकोर्ट बिलासपुर, अनिल शुक्ला डॉक्टर, अजीत मिश्रा समर्पण क्लिनिक, साईं दरबार का पंडित उसका बेटा और अजीत मिश्रा का नौकर और विक्की अग्रवाल श्रीराम ज्वेलर्स का मालिक और उसका ड्राइवर, ये सारे लोग मिलके आधी रात को बिजली ऑफिस के दल्लों के साथ मिलके मुझे और मेरी दोनों बेटियों को जिंदा जला के मारने की कोशिश किए। इन लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। नागुराव के छत में आकर ये साईं दरबार का पंडित, उसका बेटा अनिल शुक्ला रात भर मेरे घर में पत्थरबाजी करते हैं। मैं 3 साल से रातों को सो ही नहीं हूँ इन लोगों की गुंडागर्दी की वजह से। सभी लोग श्रीकांत वर्मा मार्ग मैग्नेटो मॉल के बाजू साईं दरबार बाजू गली में सभी लोग रहते हैं। इन लोगों की गुंडागर्दी और छेड़खानी से परेशान होके मैं आत्महत्या कर रही हूँ। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में श्रीकांत वर्मा मार्ग में रहने वाली एक महिला द्वारा फेसबुक पोस्ट डाला गया था सुसाइडल, जिस पर जो है तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और उनके पति के द्वारा जो है दरवाज़ा खोला गया, फिर तुरंत जो है वो महिला को हॉस्पिटल भेजा गया है और इसमें पुलिस जो है आगे की जांच कर रही है। अभी जो है तत्काल में पुलिस मौके पर पहुंची थी और उनको हॉस्पिटल भेजा गया है और आगे जांच में जो भी पाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।